हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रिय सीजन। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, एक्चुअली पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं असरेटिव सेंटेंस का, या फिर हमारा इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और इंफर्मेटिव सेंटेंस, इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यदि उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर टच कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी बेसिक रूल्स होते हैं उस वीडियो में हमने क्या किया बच्चा, आपको समझा दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग बस प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट रूल रहेगा हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बच्चा, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, माई फादर सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। बच्चों, इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे शुरू हो रहा है बच्चा, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है बच्चा, इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए आप रूल लिख सकते हैं बच्चा कि जो सेड होता है या फिर सेड टू होता है उनको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चा, इफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाने का, किस तरीके से बनाते हैं। चलिए इस तरीके से बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, माय फादर सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड आ जाएगा, राइट। टू का हम लोग प्रयोग नहीं करते बच्चा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय, इसलिए टू को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद मेरा जो मी है ऑब्जेक्ट उसको लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इंटरगेटिव में किसका प्रयोग करते बच्चा, इफ़ या वेदर, हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं इफ़, आपका मन करेगा तो वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हैव है, तो बच्चा आप हैव नहीं लिखोगे। क्यों सर, हैव क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको असरेटिव सेंटेंस बनाते हैं और असरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चा, पहले हेल्पिंग वर्ब ना आकर पहले सब्जेक्ट आता है। तो बच्चा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बच्चा, तो यू है। कौन है बच्चा, यू है। तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे बट चेंज कर, ठीक। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। किस फॉर्म में बच्चा, सब्जेक्ट के फॉर्म में, ओके। सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। तो मी को किसके किस रूप में चेंज कर दोगे, सब्जेक्ट रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू किस में है, सब्जेक्ट रूप में है। तो मी को चेंज कर दो सब्जेक्ट रूप में, और मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है बच्चा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आई, लिखोगे इस तरीके से लिखोगे। और ये हमारा सेंटेंस क्या बच्चा, कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हैव है, इट मीन्स दैट हमारा सेंटेंस ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा हैड आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। फिर अगला योर है बच्चा, योर को भी हम चेंज करेंगे क्योंकि योर मेरा क्या, एक पर्सन है। जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पर्सन्स आएंगे या फिर हमारे जितने सेंटेंस रहेगा उनको चेंज किया जाता है। तो योर हमारा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड फॉर्म, किस फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म, यानी बच्चा मी के अकॉर्डिंग फिर से चेंज हो जाएगा योर। तो लेकिन इस बार क्या करेंगे, मी को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर योर के किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। तो मी का पॉजिटिव फॉर्म होता है बच्चा माई। उसके बाद क्या है, वर्क को क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे। नाउ को क्या करते हैं बच्चा, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, नाउ किस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन में, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा लेकिन हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग कैसा सेंटेंस बनाए, असरेटिव रूप में सेंटेंस बनाए हैं, इसलिए हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा अलाउज आई एम रूनिड, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। सर ये कौन सा, पहले हम लोग बोले ना, पहले आपको तुरंत बनाना नहीं है, पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पढ़कर हमको ये लग रहा है क्वेश्चन कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे पता, तो देखिए जिस सेंटेंस में उल्टा आई रह जाएगा इसका मतलब समझ लेना कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा, अलास लगा है। तो अलास जो रहता है वो किस किस को शो करता है बच्चा, दुख को शो करता है, किसको शो करता है बच्चा, दुख शो करता है। तो इस सिचुएशन में सैड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर देंगे। तो चलिए इस तरीके से बनाना शुरू करते हैं सेंटेंस को भी, तो इस तरीके से लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किए हम लोग, अलास को नहीं लिखेंगे क्योंकि अलास का मतलब क्या होता है, सैरो होता है। फिर बच्चा है आई, तो आई को चेंज करोगे आप किसके रिकॉर्डिंग,
किसके रिकॉर्डिंग बच्चा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर ही है। तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। फिर ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्प में क्या होता है, वाज वर, तो ही के साथ क्या लगता है बच्चा, वाज लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी मेरा सिंगुलर ही रहेगा। फिर बच्चा रूनिट को क्या लिख देंगे, हम लोग रूनिट ही लिख देंगे, ठीक है। रूनिट का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चा किस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़कर खुद ही लग रहा होगा कि जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट से बोला सिट डाउन, यानी क्या कर रहा है बच्चा, एक ऑर्डर दे रहा है। तो सेट टू के जगह हम क्या ला देंगे, ऑर्डर। सर कैसे पता चला कि ये ऑर्डर है, तो बच्चा सिट डाउन सेंटेंस मेरा किससे शुरू हो रहा है बच्चा, तो सिट, सिट मतलब क्या है मेरा, क्या है मेरा वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस आपका एक वर्ब से शुरू होगा, किस वर्ब से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, समझ लेना वो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये मेरा कैसा सेंटेंस बच्चा, इंफॉर्मेटिव ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे द प्रिंसिपल सेट टू की जगह क्या बच्चा, ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है प्रिंसिपल। ऑर्डर किसको दे रहा है, द बॉय को, तो क्या लिखेंगे, द बॉय। अब बच्चा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा को हटाने के जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, टू का प्रयोग करते हैं, तो टू लिख देंगे। फिर बच्चों वहां पर क्या लिखा है, सिट डाउन, तो सिट डाउन लिख देंगे, ठीक, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। बच्चा इस क्वेश्चन को भी पढ़कर आपको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को हमको पढ़कर ये लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसा है, तो इंटरगेटिव सेंटेंस है। फिर अगर अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता, कुछ नहीं यार, क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। विल क्या, हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसका मतलब समझ लेना कि वो डायरेक्ट सेंटेंस हमारा किसमें है, इंटरगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चा। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, माई फ्रेंड सेट टू की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा, आस्क आ जाएगा, ठीक है। जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस होता है तो सेट टू की जगह पर या सेट की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क आ जाएगा, राइट। फिर मी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात कि अगर इंटरगेटिव सेंटेंस हो या फिर डबल इंटरगेटिव सेंटेंस हो, तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय इन सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है। असरेटिव सेंटेंस मतलब कि मेरा किससे शुरू होगा सेंटेंस, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर कौन सब्जेक्ट बच्चा, यू है, तो यू को यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, बट चेंज करके लिखेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है, किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव के फॉर्म में है, राइट। सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा, मी है, तो मी को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यू किस केस में, सब्जेक्टिव केस में है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, आई लिख देंगे। और उसके बाद देखिए सर ये कैसा सेंटेंस है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर के टेंसेस में कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं, बट विल का हम क्या करते हैं बच्चा, वुड में चेंज कर देते हैं, और शैल का किस में चेंज कर देते हैं, शुड में चेंज कर देते हैं। और आपको पता है आई के साथ क्या लगता है, शुड का प्रयोग होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, आई शुड लिखेंगे, राइट। आगे देखते हैं क्या है हमारा सेंटेंस बोला बच्चा। फिर आगे बोला है गो टू मुंबई, तो क्या लिख देंगे, गो टू मुंबई लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। सभी टीचर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, स्टूडेंट से पूछते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे बच्चा, देखिए द टीचर बच्चा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो सेट टू किस में चेंज करोगे, आस्क में चेंज कर दोगे, ओके। द स्टूडेंट्स इंटरगेटिव ग्रामर हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में। फिर बच्चा हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है, बस चेंज जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो कैसे बनाते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस को, असरेटिव में, मतलब सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन बच्चा हमारा, यू है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर यू लिखेंगे, बट चेंज करके, यू मेरा क्या बच्चा सब्जेक्ट है, बट कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, द स्टूडेंट्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दे का प्रयोग करेंगे, ठीक। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, दे का प्रयोग करेंगे, और दे को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो दे का दे ही होगा, ठीक है, क्योंकि दे जो है सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, दे ही होता है। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग दे लिखेंगे, राइट। फिर ये सेंटेंस पढ़िए, देखिए कौन सा सेंटेंस है बच्चा, तो पढ़कर हमको ये लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है हमारा बच्चा, तो प्रेजेंट
हमारा परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हैव आ गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। फिर बच्चा नॉट लिखा है तो क्या लिख दोगे आप लोग, नॉट लिख लोगे, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम, अगर ध्यान से हम लोग पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। फिर कंप्लीटेड को क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड लिख देंगे बच्चा, ठीक है। वर्ब को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग लिख देंगे, कंप्लीटेड ही लिख देंगे। फिर यूर है, पर्सन है, चेंज करेंगे बच्चा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किस में चेंज होगा बताइए, ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर योर जो है पोजिसिव फॉर्म है, योर जो है यहाँ पर क्या बच्चा, पोजिसिव फॉर्म में, इसलिए बच्चा स्टूडेंट की जगह हम लोग किसका यूज किए थे, दे का यूज किए थे ना, तो दे को किस में चेंज कर देंगे, पोजिसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। और दे का जो पोजिसिव फॉर्म होता है क्या होता है बच्चा, देयर होता है, क्या होता है बच्चा, देयर होता है। तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लोग क्या लिखेंगे, देयर होमवर्क, ठीक है। ये भी हमारा क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सी सैड इन्वर्टेड कामा यू मस्ट वर्क हार्ड। देखो बच्चा कितने लोग को ये लगता है सेंटेंस पढ़कर कि सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है ना, ये सेंटेंस पढ़कर सबको लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि एडवाइस दिया जा रहा है, ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। बट बच्चा देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, आपका एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस तभी होगा जब सेंटेंस किससे शुरू होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मत समझ लेना ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर एडवाइस नहीं दिया जा रहा, इसको सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। तो किस तरीके से बनाया जाएगा सर, बिल्कुल हम बताते हैं किस तरीके से बनाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, ही लिखेंगे, ठीक। अब सैड की जगह पर क्या लिखेंगे, तो देखो जब हमारा सेंटेंस असरेटिव होता है, असरेटिव का मतलब अफर्मेटिव या फिर निगेटिव रहेगा, तो सैड को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सैड लिखते हैं और सैड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो यहाँ पर सैड टू है नहीं, तो सैड का हम क्या लिखेंगे बच्चा, सैड ही लिख देंगे, लिख दिए सर हमारा हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं असरेटिव सेंटेंस में, दैट का प्रयोग करते हैं बच्चा। यहाँ पर यू है, यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट सर यहाँ पर क्या है, और मेरा रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो रिपोर्टेड वर्ब में जब ऑब्जेक्ट ना हो किसी सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे, अपने से कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी क्या करोगे, पर्सन को रख सकते हो। बट सबसे अच्छा क्या रहता, किसको रखोगे आप बच्चा, मी को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, मी को। तो यू जो है किसके रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बच्चा। तो क्या करेंगे बच्चा, कि मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू किससे, किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चा, आई हो जाएगा। और मस्ट का क्या करेंगे बच्चा, हम लोग मस्ट ही लिखेंगे। फिर वहां पर क्या लिखा, वर्क हार्ड, तो क्या लिख देंगे, वर्क हार्ड हम लोग लिख देंगे। चलिए ये भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेंटेंस हमारा बोला है, व्हाट डू यू वांट, इनवर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा गया है ही सेड टू हर। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होंगे, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन क्या करना बेचारा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। कभी भी हमको सेंटेंस को चेंज करना हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो पहले हम सॉल्व करते हैं रिपोर्टेड वर्ब को। तो रिपोर्टेड वर्ब को सॉल्व करते हैं, बट रिपोर्टेड वर्ब में सबसे पहले क्या लिखाता है, हमारा सब्जेक्ट लिखाता है। तो इनमें बच्चा सब्जेक्ट क्या है, देखिए ही सेड टू हर, वह कहा उससे, तो कौन कहा बच्चा, ही कहा, तो ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब भी देखिए ये सेंटेंस जो है हमारा, व्हाट डू यू वांट, क्या हमारा डबल इंटरगेटिव है। जब डबल इंटरगेटिव सेंटेंस होता है बच्चा, तो सेड टू की जगह क्या आ जाता है, आस्क्ड आ जाता है, राइट, क्या था बच्चा, आस्क्ड आ जाता है। फिर टू को तो देखिए नहीं लिखते हैं, फिर हर का क्या लिखेंगे, हरी लिखेंगे, ओके। अब जब देखिए बच्चा ये इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हटाने के लिए किसका, किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो डबल इंटरगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसी भी वर्ड का हम लोग क्या करते बच्चा, यूज नहीं करते हैं। तो इनवर्टेड कॉमा को के जगह पर कोई भी शब्द का यूज नहीं करेंगे बच्चा, क्या फिर क्या करेंगे बच्चा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है सेम टू सेम यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद क्या करते हैं, फिर सेंटेंस को किस रूप में बनाते हैं, डबल इंटरगेटिव से हम लोग किस में बनाते हैं, असरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। असरेटिव सेंटेंस का मतलब कि वर्ड के बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बच्चा, यू है, तो यू को हम यहाँ पर लिखेंगे बट चेंज करके, कैसे बच्चा, तो सेकेंड पर्सन है, कौन से पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, हर है, क्या है बच्चा, हर है, तो क्या होगा, हर के रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हर को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा बच्चा, सी होगा, क्या होगा बच्चा, सी होगा। फिर बच्चा क्या लिखा है, डू यू वॉन्ट, यहाँ पर देखिए बच्चा ये कौन सा सेंटेंस हमारा, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इन्फिनिट। तो प्रेजेंट इन्फिनिट को क्या करते हैं बच्चा, हम लोग जब पास्ट इन्फिनिट में चेंज करेंगे, वो भी अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसलिए डू को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वॉन्ट का क्या होगा, थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चा, वांटेड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला सेट हमारा 2015 का बच्चा, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टीचर सेड टू द बॉय ओबे योर एल्डर। बच्चा इस ये जो मेरा सेंटेंस है इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, सर आपको कैसे पता, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है बच्चा, एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ओबे क्या हमारा है, वर्ब है, ठीक है। ओबे क्या बच्चा हमारा, वर्ब है, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमको पता चल गया ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। बट इंफॉर्मेटिव में कौन सा सेंटेंस है सर, कौन सा वाला इंफॉर्मेटिव है, तो बच्चा देखिए क्या करना बच्चा, जो बोला टीचर बोला है बॉय से कि क्या बोल रहा है बच्चा, ओबे योर एल्डर, अपने बड़ों का आदर करो या अपने आदर करना चाहिए। तो बच्चा यहां पर क्या एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। जिस सेंटेंस में बच्चा एडवाइस दिया जाता है तो उस सेंटेंस के सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, एडवाइस डू में चेंज कर देते हैं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे द टीचर सेट टू की जगह क्या आएगा, एडवाइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, एडवाइस आ जाएगा, एडवाइस द बॉयज। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो टू आ जाएगा। फिर बच्चा क्या बोला, ओबे योर एल्डर, तो लिख देंगे ओबे बच्चा योर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि योर मेरा क्या पर्सन, कौन सा पर्सन सर, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है सर हमारा, बताइए ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द बॉयस है, द बॉयस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, द बॉय रहता तो ही का प्रयोग करते हैं, बट बॉयस ना प्लूरल तो क्या यूज करेंगे बच्चा, दे का प्रयोग करेंगे, द बॉय की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, दे आ जाएगा, ठीक। अब दे को किस में चेंज कर देंगे बच्चा, हम लोग दे को किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि योर क्या है हमारा पॉजिटिव फॉर्म में, तो दे का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, देयर होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, देयर लिख देंगे। उसके बाद एल्डर्स लिखा तो क्या लिख देंगे, एल्डर्स लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है हिज फ्रेंड सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा कैन यू स्पेयर सम बुक फॉर मी। चलिए इनको बनाते सर, कैसे बनाएंगे देखिए, इस तरीके से बनाएंगे हिज फ्रेंड सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, कैन से शुरू हो रहा है, यानी कैन क्या है मेरा एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू सेंटेंस होता है तो क्या कहलाता है, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस में सेट टू की जगह क्या लाते हैं हम लोग, आस्कर का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिख देंगे, आस्कर लिख देंगे, फिर हिम लिखेंगे बच्चा। और इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस बनता है मेरा असरेटिव बनता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, असरेटिव बनता है, इसका मतलब सेंटेंस किससे शुरू होना, सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बच्चा, यू, तो यू को हम क्या करेंगे चेंज करके लिखेंगे क्योंकि पर्सन है, ठीक है। तो क्या होगा, यू है सेकेंड पर्सन, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिम, तो हिम को चेंज कर देंगे किसी में, सब्जेक्ट रूप में, तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है बच्चा, ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कैन को किस में चेंज कर दिया जाता है, कुड में चेंज किया जाता है। फिर क्या लिखा, स्पेयर, तो क्या लिख देंगे हम लोग, स्पेयर लिख देंगे सम बुक फॉर मी को भी चेंज करेंगे, मी मेरा फर्स्ट पर्सन है, यानी सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या बच्चा, हिज फ्रेंड है, तो यहां क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड लिख देंगे, ठीक, लिख देंगे हिज फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बच्चा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, सी सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ। चलिए सर ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चा, कि सी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले नाउ, तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है बच्चा हमारा कैसा सेंटेंस है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। सर कैसे पता चला आपको इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो जब भी बच्चा सेंटेंस मेरा किससे शुरू होता है, लेट अस से शुरू होता है, इसका मतलब समझ लेना कि वो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। और लेट क्या मेरा एक वर्ब ही है, तो हम बताए थे जब भी मेरा सेंटेंस एक वर्ब से शुरू होता है वो क्या होता है मेरा, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चा चलो इनको किस तरीके से बनाते हैं चलिए देखिए। बच्चों देखो इस सेंटेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेट के बाद जब अस आता है तो अलग तरीके से बनने लगता है, लेट के बाद जब मी आता है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। तो अगर इसको अच्छे समझना है तो इस जो हम वीडियो बनाए हैं बच्चा इसके ऊपर जाकर वहां पर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाएगा, लिखेंगे सी सेट टू की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे सजेस्ट टू ना, हम क्या लिख सकते हैं सेट टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सजेस्टेड टू लिख सकते हैं या फिर प्रपोज टू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सजेस्टेड लिखेंगे, ठीक है सजेस्टेड। अब बच्चा अगर सेड रहेगा तो सजेस्टेड लिखेंगे, और सेड टू रहेगा तो क्या लिखेंगे सजेस्टेड टू। अभी तक जितने भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए हैं टू को नहीं लिखते थे, बट बच्चा ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि स्पेशल केस है, जब मेरा सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो जब सेट के साथ टू आएगा तो सजेस्टेड के साथ क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, ठीक। जब सेट के साथ टू नहीं रहेगा तो सजेस्टेड
सिर्फ लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे। तो याद रखना सेट टू रहेगा तो सजेस्टेड टू रहेगा, सेट रहेगा सिर्फ सजेस्टेड रहेगा, राइट। उसके बाद बच्चा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए बच्चा लेट अस में दैट का प्रयोग करते हैं। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं बच्चा, लेकिन इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में जब ऐसा सेंटेंस शुरू हो जाए, किससे शुरू हो जाए, लेट अस से शुरू हो जाए, तो उसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा लेट अस क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। फिर लेट अस के जगह पर दो चीज आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं बच्चा, दो चीज आ सकता है। पहला क्या आ सकता है सर, तो दे सूड आ सकता है, क्या सकता है पहला दे सूड आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है मेरा बच्चा, बी सूड आ सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, किसके जगह पर, लेट अस के जगह पर। तो सर कैसे डिसाइड करेंगे कब दे सूड आएगा कब बी सूड आएगा, तो बच्चा जब रिपोर्टेड वर्ब में हमारा थर्ड पर्सन रहेगा तब उसको किसमें चेंज कर देंगे, दे सूड में, और जब रिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट पर्सन रहेगा तब लेट अस के जगह पर क्या आएगा, दे सूड आएगा। और इस सेंटेंस बच्चा मेरा यहां पर जो सी है, सी क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहां पर क्या आएगा बच्चा, दे सूड आएगा, राइट। चलिए लिख देते हैं, दे सूड लिख देंगे यहां पर, उसके बाद अपने सेंटेंस को आगे बनाना जारी लिखेंगे। फिर प्ले नाउ, तो क्या करेंगे बच्चा, प्ले को प्ले लिखेंगे, और नाउ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चा, हम लोग देन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, देन लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा फोर्थ, केट की सेड इन्वर्टेड कॉमा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। बच्चा ये सेंटेंस जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरगेटिव सेंटेंस में सेड के जगह अब क्या आता है, आस्क्ड आता है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, केट की आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, और इफ के बाद हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, असर्टिव में बनाते हैं। तो बच्चा असर्टिव में सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर बच्चा इस सेंटेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो क्या लिखेंगे, द टीचर लिखेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। बच्चा फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं बच्चा, जितने भी हमारे फ्यूचर सेंटेंस होते हैं उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, बट विल का उड हो जाता है और साइल का सूट हो जाता है, तो यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बच्चा नॉट है, तो क्या लिख देंगे, नॉट टीच, और अस क्या है, एक पर्सन है तो चेंज करेंगे, बट अस क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर केटकी जो है बच्चा, केटकी क्या है, एक लड़की का नाम लग रहा है, तो लड़की का नाम है तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं, सी का यूज कर सकते हैं, बट सी को किसमें चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर अस क्या है हमारा पॉजिटिव फॉर्म में, तो सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, हर होता है, और क्या लिखा, टुडे, टुडे का किसमें चेंज करते हैं बच्चा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दैट डे में चेंज कर देते हैं, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चा, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज गिव मी लीव फॉर टू डेज। चलिए इनको बनाते हैं बच्चा, इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे बच्चा, तो इस सेंटेंस बच्चा यहाँ पर देखिए प्लीज आया, इसका मतलब कि यहाँ पर एडवाइस सॉरी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इनको किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। द टीचर सेट टू की जगह पर क्या आएगा बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में हमारा एडवाइस आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग कर देंगे, राइट। प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज का मतलब ही क्या है, रिक्वेस्टेड मतलब है, तो फिर क्या है, ग्रांट है, तो क्या लिख देंगे, ग्रांट लिख देंगे। फिर बच्चा उसके बाद है मी क्या है मेरा, एक पर्सन है तो चेंज करेंगे, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जिसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मेरा सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चा मेरा क्या है, द टीचर, क्या हमारा, द टीचर, तो द टीचर बच्चा क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, मतलब कि मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल भी टीचर हो सकता है, तो बच्चा हम मान चलते हैं कि जो टीचर है हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए मेल टीचर है, तो मेल टीचर के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, ही का यूज करेंगे, तो ही को किसमें चेंज कर देंगे बच्चा हम लोग, ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव रूप में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चा, हीम हो जाता है, क्या हो जाता है, हीम हो जाता है। फिर बच्चा लीव लिखेंगे फॉर टू डेज, सेम टू सेम लिख देंगे, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज गिव मी सम मनी। बच्चा देखो
कुछ चीज़ें आपको खुद से करना है। रटी रटाया हुआ क्वेश्चन आप क्या करोगे, पेपर में लिख दोगे, फिर आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको खुद करना है बच्चा, खुद उसके लिए लड़ना है, तभी आपको कुछ क्या होगा, हासिल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप क्या करिए, फिर से अपने आप ट्राई करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर ही बेस है। देखिए यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल से बोल रहा था कि मुझे 2-3 की छुट्टी दे दीजिए, और इस सेंटेंस बच्चा प्यून जो है प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, यानी इस सेंटेंस में भी क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाया गया है, उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर आप 6 खुद से बनाओगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कह देना कि नहीं आया, फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, गीता सेड टू गोपाल इनवर्टेड कॉमा विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे। तो ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस मेरा किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो बच्चा हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है और इंटरगेटिव सेंटेंस रहता है तो सेट टू की जगह क्या लाते हैं हम लोग बच्चा, आस्क लाते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से हम बना रहे उस तरीके से बनाएंगे। तो सेट टू की जगह क्या आएगा बच्चा, आस्क आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, गोपाल लिखेंगे भैया, कि गोपाल हमारा ऑब्जेक्ट होते लिख देंगे। इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चा, इंटरगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर इफ का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, असरेटिव बनाते हैं। इट मींस दैट कि क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या बच्चा, यू है। तो यू को किस में चेंज, यू मेरा बच्चा किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल, गोपाल क्या बच्चा, एक लड़का, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते ही। तो ही को क्या करेंगे बच्चा, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यू किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, और ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, हमारा ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। उसके बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बच्चा विल है, फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, वुड लिख देंगे। उसके बाद बच्चा लाइक है, तो क्या लिख देंगे, लाइक टू हेल्प मी चेंज होगा, क्योंकि मेरा मी क्या है, मेरा फर्स्ट पर्सन है। और मी बच्चा यहाँ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, गीता, गीता की लड़की, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी लिख सकते हैं। बट सी को किस में चेंज करेंगे बच्चा, हम लोग पॉजिटिव फॉर्म, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप में। तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाता है बच्चा, हीज हो जाता है, क्या हो जाता है, हीज हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा गया बच्चा, टूडे, तो टूडे क्या होता है, दैट डे हो जाता है, डायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाते समय, ठीक है। ये भी सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क को नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि आपने इंटरगेटिव सेंटेंस को असरेटिव में बनाया है, इसलिए बच्चा हम लोग क्या लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो बच्चा 2015 में जितने भी आपको क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसका भी क्या हो गया बच्चा, सॉल्व हो गया। चलिए अगले हम लोग चलते हैं सेट पर। अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा सेट 2016 का, द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन इनवर्टेड कॉमा इज दिस द वे टू संगम। बच्चा ये भी सेंटेंस क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस मेरा किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। चलिए इनको भी बना लेते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चा, द पिलग्रिम इंटरगेटिव सेंटेंस है, आस्क की जगह से की जगह पर क्या आएगा बच्चा, आस्क आएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे द पुलिसमैन इंटरगेटिव सेंटेंस में नोटेड कॉमा हटाते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाते हैं, असरेटिव बनाते हैं। तो बच्चा इसमें मेरा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दिस है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस लिख देंगे। बट दिस का क्या होता है बच्चा, हम लोग चेंज कर देते हैं, दिस को क्या कर देते हैं बच्चा, हम लोग चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा हमारा, तो दैट लिख देंगे। अब ये सेंटेंस किसमें है मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर। दैट के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, हम लोग वाज का प्रयोग कर देंगे, दैट वाज द वे टू संगम। फुल स्टॉप, ठीक बच्चा, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गीता सेड टू मीनू इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक टू रीड दिस नावल। बच्चा ये भी कैसा है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इनको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, गीता, अब सेट टू के जब क्या आएगा, जब इंटरगेटिव सेंटेंस है, सेट टू के जब क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मीनू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के किसका प्रयोग करेंगे, इंटरगेटिव में इफ का प्रयोग करेंगे, अपने वेदर हम यहाँ इफ ले रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। तो यू किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, मीनू की रिकॉर्डिंग होगा, क्यों, क्योंकि मेरा यू क्या है, सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मीनू, और मीनू क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए किसका प्रयोग कर लेंगे हम लोग, सी का प्रयोग कर लेंगे, लड़की है बच्चा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सी लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो सी को क्या करेंगे बच्चा, हम लोग सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, सी का सब्जेक्टिव केस क्या,
होता है, सी ही होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद और क्या लिखा बच्चा, उसके बच्चा बात देखिए, ये कौन सेंटेंस हमारा, डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवल, ये सेंटेंस मेरा क्या है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव। प्रेजेंट इन्फिनिटिव किसमें चेंज होता है सर, पास्ट इन्फिनिटिव में चेंज होता है। और बच्चा पास्ट इन्फिनिटिव में चेंज होता है, बट हम इसमें सेंटेंस कैसा बना रहे हैं, अफर्मेटिव में, तो पास्ट इन्फिनिटिव के अफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बस क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब में हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे लाइक टू रीड दिस बुक। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद बच्चा लाइक में क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक टू रीड दिस नॉवेल। चलिए बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। ये भी कैसा सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस। भाई हम नहीं आपको क्वेश्चन ला कर ये दे रहे, ये बोर्ड के पेपर में ही आ रहा है, तो आप बार बार बोलो सर इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस का ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये क्या है, प्रीवियस ईयर का बच्चा प्रैक्टिस सेट है, तो वो जो बोर्ड में दिया तो वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे तरफ से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि अब भाई इंटरगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, सेट टू जब क्या आएगा, आस्क्ड आ जाएगा कि आस्क्ड मी, नोटेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, इव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी को किसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है बच्चा, आई हो जाता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। ये मेरा सेंटेंस क्या है, मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद वेटिंग फॉर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेटिंग फॉर, भाई माई क्या है बच्चा, माई क्या, एक प्रीपोजिशन है, तो फिर चेंज करोगे, फर्स्ट प्रीपोजिशन है, तो यानी कि क्या करोगे, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही को किस में चेंज कर दोगे, पोजिसिव फॉर्म में चेंज करोगे, क्योंकि मी की जगह पर ला रहे हो ना, मी क्या है मेरा पोजिसिव फॉर्म है, तो मी का सॉरी ही का पोजिसिव फॉर्म क्या हो जाता है, ही हो जाता है, क्या हो जाता है, ही हो जाता है। उसके बाद क्या लिखोगे, फादर, और टुडे का क्या हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय दैट डे हो जाता है, तो वो लिख देंगे, और सेंटेंस को हम क्या लेंगे, फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, आई सेड टू द टीचर सर, फिर क्या हमारा बच्चा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। चलिए इनको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, देखते हैं। ठीक है, तो बच्चा ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बट उसमें क्या जाता है, सर मैम आ जाता है, तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे, आई, अब बच्चा सेट टू, प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा, रिक्वेस्ट कर रहा, तो यहाँ सेट टू के बाद जगह पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ठीक, आई रिक्वेस्टेड, अब देखो सर है, मैम है, तो उनको जो रिक्वेस्ट करते कैसे करते हैं, रिस्पेक्टफुली करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली, क्या लिख देंगे बच्चा, रिस्पेक्टफुली माई टीचर, फिर उसके बाद सेंटेंस मेरा कैसा है बच्चा, एक मेरा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इन्वर्टेड काम हटाने के लिए सब प्रूव करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टेड मतलब हो गया सर, और प्लीज का मतलब यहाँ क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, फिर बच्चा क्या है, एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन, तो यही सेम टू सेम लिख देंगे, एक्सप्लेन, बट दिस का क्या हो जाता है, दैट, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दैट लिख देंगे, स्टेंजा, और अगेन का क्या होता है बच्चा, अगेन ही होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय भी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अगेन लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। चलिए इनको कैसे बनाएंगे बच्चा, देख लेते हैं, तो इसको बनाएंगे इस तरीके से, माई फ्रेंड, आस्क टू की जगह पर क्या, सॉरी My friend said to की जगह क्या आएगा बच्चा, asked to आएगा, क्यों, इंटरगेटिव सेंटेंस ना, इसलिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, asked
ठीक है, फिर टू नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, मी लिखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते, इसलिए मी का मी होगा। फिर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे बच्चा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ इफ का प्रयोग करें। उसके बाद सेंटेंस मेरा असर्टिव होगा, असर्टिव का मतलब सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, इफ के बाद सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, यू है, कौन सा पर्सन है, यू है मेरा, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी है, तो मी को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज करेगा। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे बच्चा, आई लिखेंगे। ठीक, अभी देखते हैं बच्चा सेंटेंस क्या, फ्यूचर, फ्यूचर सेंटेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बस विल का वुड सेल का शुड हो जाता है। तो बच्चा आई के क्या, आई के लिए क्या लगता है, क्या लगता है, विल नहीं लगता, सेल लगता है ना, तो सेट का क्या कर देंगे, शुड लिख देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, शुड लिख देंगे। ठीक, शुड लिख दिए। फिर उसके बाद मेरा क्या है बच्चा, उसके बाद मेरा आएगा वर्ब, वर्ब मेरा क्या है, गो टू स्कूल। और बच्चा टुमारो को भी क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, क्योंकि टुमारो क्या एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, टाइम से रिलेटेड है। तो जितने भी टाइम या फिर प्लेस से रिलेटेड वाले शब्द होते हैं उनको भी चेंज कर दिया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। तो टुमारो का बच्चा क्या हो जाता है, तो टुमारो का क्या लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों से कोई लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं नेक्स्ट डे। ठीक, द नेक्स्ट डे, फिर फुल स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, आई सेड टू देम हैव यू कंप्लीटेड योर होम वर्क। चलिए इनको बनाते हैं बच्चा, कैसे बनाएंगे, तो ये भी सेंटेंस क्या है मेरा, इंटरगेटिव सेंटेंस है। चलिए इनको बनाते कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, आई आस्क्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब बच्चा उसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, बट चेंज कर करते। यू मेरा क्या है बच्चा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, देम है, तो देम को क्या करेंगे बच्चा, सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। और देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है बच्चा, दे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, दे लिखेंगे। और मेरा सेंटेंस क्या ये, मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, इसलिए बच्चा हैड की जगह, सॉरी हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड, तो क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड ही लिखेंगे। ठीक है, फिर योर मेरा क्या है बच्चा, एक पर्सन है, इसको फिर चेंज करेंगे, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। बट इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो देम है, उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि योर किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में बच्चा। तो देम का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयर लिखेंगे। ठीक, देयर लिख देंगे। होमवर्क को क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर सेम टू सेम होमवर्क ही लिख देंगे, राइट। फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चा, द स्पीकर सेड इनवर्टेड कॉमा द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। चलिए इसको इस तरीके से बनाएंगे, देखिए किस तरीके से, द स्पीकर सैड की जगह पर क्या लेंगे बच्चा, सैड ही लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है कैसा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सैड की जगह पर सैड ही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग सैड ही लिखेंगे। अगर सैड टू रहता तो हम टोल्ड में चेंज कर देते। इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे बच्चा। उसके बाद जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय वैसा ही लिख देंगे। क्यों सर, इस बार चेंज नहीं होगा क्या, उसके टेंस में भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। बट क्यों सर, तो बच्चा इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जितने भी हमारे क्या होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, अगर मेरा जो सेंटेंस है, अगर मेरा बच्चा वो ट्रूथ है बात होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, तो उन सेंटेंस को चेंज नहीं करते भाई। ये पूरे ब्रह्मांड में बात बच्चा, ये क्या है, क्या बच्चा ये बात सत्य है कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है। तो जितने भी ब्रह्मांड की बात जो होती सत्य रहती है, उन सेंटेंसों को क्या करते बच्चा, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय उनके टेंस में बच्चा कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो सेम टू सेम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, और ये बात अगर आपको पढ़ना है बच्चा, इसको और इस टॉपिक और डिटेल में समझना है, तो हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरा डिटेल नहीं समझा सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा बच्चा 2017 का, देखिए ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होम वर्क। बच्चा कैसा सेंटेंस है हमारा, डबल इंटरगेटिव। कैसा सेंटेंस है, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में भी सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं। इसको इस तरीके से बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड
द स्टूडेंट्स। अब डबल इंटरगेट टू सेंटेंस जब आता है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसी भी अनेदर या फिर एक्स्ट्रा कंजक्शन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है सेम टू सेम उसी को लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस को कैसे बनाते हैं बच्चा, असरेटिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। इसका मतलब वाई के बाद जो आएगा बच्चा मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं मेरा सब्जेक्ट आएगा, और इन सेंटेंस बच्चा सब्जेक्ट क्या है हमारा यू है, तो यू को बच्चा हम चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर यू जो है बच्चा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है क्या है बच्चा, द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट नहीं बोला स्टूडेंट्स बोला तो प्लूरल है, इसलिए का प्रयोग करेंगे हम लोग दे का प्रयोग करेंगे बच्चा। और दे का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, दे ही होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग दे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चा, वर का प्रयोग होगा, क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है, आप ये बात जानते हो। उसके बाद क्या लिखेगा, नॉट लिखेंगे, फिर डांसिंग सॉरी डूइंग है, डूइंग डूइंग। अब बच्चा योर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मेरा क्या है पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो फिर किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट मेरा बच्चा दे है, बट इस बार दे को किस में चेंज करेंगे बच्चा, पोजिसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर योर किस फॉर्म में बच्चा, पोजिसिव फॉर्म में है, तो दे का पोजिसिव फॉर्म क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयर लिखेंगे। उसके बाद होमवर्क को क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग होमवर्क लिख देंगे यहाँ पर, और मेरा इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है, दे सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। बच्चा ये जो सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है बच्चा, तो ये सेंटेंस मेरा असरेटिव सेंटेंस है, और असरेटिव में कौन सा बच्चा, तो निगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको किस तरीके से बनाएंगे देखिए। तो बच्चा तो जब असरेटिव सेंटेंस होता है तो सेट टू की जगह पर क्या लाते हैं हम लोग, टोल्ड लाते हैं। क्या ला देते बच्चा, टोल्ड लिख देते। तो क्या हो जाएगा इसको, इस तरीके से बनाएंगे, दे टोल्ड, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हिम है, तो क्या लिख देंगे, हिम। और इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय क्या करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग कर देते हैं असरेटिव सेंटेंस में। फिर क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, द सर्वेंट है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, द सर्वेंट ही लिख देंगे। फिर बच्चा विल है, तो विल को फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बस विल का वुड हो जाता है, सेल का क्या हो जाता है, सूट हो जाता है। तो यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। फिर नॉट बच्चा, तो नॉट हो जाएगा, गो टू द मार्केट। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या, अगला सेंटेंस हमारा है कि द प्रिंसिपल सेड टू रामू इन्वर्टेड कॉमा गेट आउट ऑफ द रूम। बच्चा इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहे हैं, रामू को क्या कर रहे हैं बच्चा, ऑर्डर दे रहा है कि मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तो ये क्या है बच्चा, ऑर्डर है। जब ऑर्डर आता है तो सेड टू की जगह पर क्या आता है, ऑर्डर लिख देते हैं। जब ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है तो सेड टू की जगह पर क्या ऑर्डर आ जाता है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से हम बना रहे उस तरीके से बनाया जाएगा। चलिए देखते कैसे बनाएंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेट टू के जगह पे क्या आएगा बच्चा, ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, ऑर्डर रामू, ठीक है। और जब मेरा क्या होता है बच्चा, जब हमारा सेंटेंस जो होता है ऑर्डर वाला हो या फिर एडवाइस वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, यानी ले देके इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी कि मेरा सेंटेंस किससे शुरू हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो उस समय इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग गेट आउट, गेट आउट ऑफ द रूम, सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते बच्चा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीता सेड टू फादर इन्वर्टेड कॉमा सी विल नॉट गो टू स्कूल। बच्चा ये भी सेंटेंस कैसा है, देखिए रिपोर्टिव स्पीच कैसे में है बच्चा, मेरा रिपोर्टिव स्पीच निगेटिव सेंटेंस में असरेटिव है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, रीता सेड टू की जगह पर क्या होगा, टोल्ड। जब असरेटिव सेंटेंस होता है स्पीच वाला तो किस में चेंज कर देते हैं सेट टू को, टोल्ड में। फिर उसके बाद लिखा हर, तो क्या लिखेंगे, हर फादर दैट। फिर बच्चा सी है, सी मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, बार बार हम लोग चेंज करा रहे थे ना, जब यू आ रहा था, मी आ रहा था, अस आ रहा था, तो इनको चेंज करा, जब यू आ रहा था तब भी चेंज करते थे, बट बच्चा जब सी ही ईट दे
ये हमारा क्या आएंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो इनको चेंज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि थर्ड पर्सन को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, नहीं चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन बच्चा किसी की रिकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चा, सी ही लिखेंगे, ठीक है। और विल का क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चा, अब तो समझदार हो गए तुम लोग, इतना प्रैक्टिस करके आए हो उतनी क्वेश्चन, तो आप समझदार हो गए हो कि फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बस विल का उड हो जाता है और सेल का सूट हो जाता है। फिर उसके बाद नॉट को नॉट लिखेंगे, फिर गो टू स्कूल लिख देंगे, ठीक। सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है अगर तुम चाह लो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख ले लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं। चलिए ले लिया, अगला क्वेश्चन देखें। अशोक सेड टू हिज सिस्टर इन्वर्टेड कॉमा प्लीज पुट दिस पेपर ऑन द टेबल। बच्चा इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, अशोक के द्वारा अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब एक सेंटेंस में रिक्वेस्टेड हो तो सेड टू के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, रिक्वेस्टेड लिखते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब बच्चा जब मेरा बोले अभी बता क्या है बच्चा, जब मेरा इंफर्मेटिव सेंटेंस हो यानी कि ऑर्डर वाला हो, एडवाइस वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चा प्लीज नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लीज का मतलब ये क्या है, रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, पुट। अब दिस का क्या हो जाता है बच्चा, दिस को हम चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, किसमें, दोज में चेंज कर देते हैं। दिस का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है, ठीक है। अब पेपर क्या होगा, पेपर ही होगा। ऑन माई को चेंज करेंगे क्योंकि माई यहाँ पर क्या है, मेरा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अशोक यानी लड़का यानी ही यूज करेंगे, और ही को किस में चेंज कर देंगे बच्चा हम लोग, पोजिसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि ही किसके स्थान पर ला रहे हैं, माई के स्थान पर ला रहे हैं। माई किस फॉर्म में, पोजिसिव फॉर्म में, इसलिए बच्चा ही का पोजिसिव फॉर्म क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। ये भी मेरा सेट क्या होगा बच्चा, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए बच्चा ये भी मेरा सेट कंप्लीट हो गया, चलते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चा 2018 वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करें बच्चा, लाइक करते रहिए ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चा, ठीक, कि माई अंकल सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप। बच्चा इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चा, एडवाइस दिया जा रहा है, इसलिए सेट टू जगह क्या आएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा। चलिए इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे इसको, इस तरीके से बनाएंगे। और ये जो एडवाइस है बच्चा कैसा है, निगेटिव में है। क्या है बच्चा, निगेटिव में है। तो चलिए किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। चलिए इसको इस तरीके से बनाएंगे, माई अंकल सेट टू की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, एडवाइज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड मी। फिर आपको पता है कि जब एडवाइज्ड हो या फिर ऑर्डर वाला सेंटेंस हो या फिर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं बच्चा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी टू का प्रयोग करते हैं, सॉरी फॉर दैट टू का प्रयोग करते हैं, तो टू का प्रयोग करेंगे। बट बच्चा जब वो का एडवाइस जो है हमारा निगेटिव में हो, जैसे कि ये मत कर, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो अंकल वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो एडवाइस दे रहे हैं वो निगेटिव वे में दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो टू के पहले क्या ला देंगे हम लोग, नॉट लाएंगे। और जब मेरा एडवाइस जो है पॉजिटिव रहेगा तो बच्चा हम लोग टू नॉट नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉट नहीं लिखते हैं। टू लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अपने रिपोर्टेड स्पीच को बनाना शुरू कर देते हैं। बस इतना देखिए कि अगर एडवाइस जो है निगेटिव रहेगा तो टू के पहले क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अगर मेरा एडवाइस वो पॉजिटिव वे में रहेगा तो बच्चा यहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। टू के बाद क्या करते हैं हम, अपना अगला सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा उसके बाद लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप, ठीक है। तो बच्चा इसको किस तरीके से बनाएंगे चलिए आगे देखते बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर देखिए डोंट मत लिख देना, क्योंकि डोंट का मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चा, हम लोग नॉट लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चा, हम लोग नॉट लिखते हैं। तो बच्चा इसको फिर अगला क्या सेंटेंस में क्या बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, वेस्ट। फिर कैसे लिखेंगे, वेस्ट। अब बच्चा योर क्या है, मेरा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी है। मी को किस में चेंज कर देंगे बच्चा, पोजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मी का पोजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, माई होता है, ठीक। क्या होता है बच्चा, माई होता है, माई टाइम इन आइडियल गॉसिप, ठीक। इस तरीके से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला का सेंटेंस देखते बच्चा, कि अगला सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू
राइटिंग अ लेटर, ये जो सेंटेंस है मेरा इंटरगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता? तो जो मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, इसलिए हमको पता हो गया और आपको भी पता हो गया बताने के बाद, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही अब सेट टू की जगह क्या आएगा, आस्क आएगा इंटरगेटिव सेंटेंस में, या डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सेट टू की जगह क्या लिखते हैं, आस्क लिखते हैं, फिर मी है तो बच्चा मी लिखेंगे, फिर इंटरगेटिव सेंटेंस में बच्चा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेंटेंस हम असर्टिव में बनाते हैं यानी सब्जेक्ट लाते हैं। यहाँ बच्चा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को क्या करेंगे बच्चा हम लोग चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे, तो यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बच्चा मेरा मी, तो मी को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में, और मी को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बच्चा आई, उसके बाद क्या लिखेंगे वाज। सर वाज कैसे लिख दिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है मेरा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर, तो आई के साथ क्या लगेगा वाज रखेगा, फिर उसके बाद राइटिंग अ लेटर सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग, ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है कि टी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टूडे। बच्चा इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे बच्चा नहीं बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में, क्योंकि क्योंकि बच्चा इसको हम अगले आगे ही पढ़ाकर आ चुके हैं। आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे बच्चा, खुद से प्रैक्टिस करोगे, अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि नहीं आया, या फिर क्वेश्चन को लिख देना, उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन है 2019 का कि द बॉय सेड इनवर्टेड कॉमा विल द टीचर नॉट टीच अस, ठीक बच्चा। तो ये भी सेंटेंस जो है बच्चा, इस सेंटेंस को भी पढ़ा दिए हम, फिर भी बना देते एक बार, चलो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे द बॉयज। अब देखिए सेंटेंस क्या है बच्चा, विल द टीचर यानी किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी सेंटेंस कैसा, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस है बच्चा, तो सेट को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस, इफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है द टीचर, क्या लिखेंगे बच्चा द टीचर लिख देंगे, द टीचर लिख देंगे, उसके बाद क्या आएगा विल को क्या कर देंगे वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे नॉट टीच, क्या लिखेंगे बच्चा नॉट टीच, अस को क्या करेंगे बच्चा चेंज करके लिखेंगे, अस यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है द बॉय, और द बॉय बच्चा क्या है द बॉय से, द बॉय को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दे का प्रयोग कर सकते हैं, द बॉयज की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग दे का प्रयोग कर सकते हैं, और दे को हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, दे का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है बच्चा देयर हो जाता है, क्या हो जाता है देयर, तो यहाँ लिखेंगे देयर, और टुडे का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या लिखते हैं हम लोग दैट डे लिखते हैं, ठीक, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप, बच्चा ये जो सेंटेंस हमारा, ये बच्चा जो सेंटेंस वो कैसा है मेरा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं बच्चों को ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए सेट की जगह पर क्या आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, इस तरीके से बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चा किसका प्रयोग करते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में टू का, फिर क्या लिखेंगे बॉयज स्टैंड अप, इस तरीके से बनाएंगे द प्रिंसिपल सेट की जगह क्या आएगा बच्चा ऑर्डर आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है मेरा ऑर्डर के बाद क्या आता है मेरा ऑब्जेक्ट आता है, सर इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ है बच्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सेट के बाद आपको कहा सर ऑब्जेक्ट नहीं, बट प्रिंसिपल किसको ऑर्डर दे रहा है बॉयज को दे रहा है ना बच्चा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग बॉयज लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख देंगे बॉयज, फिर उसके बाद इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे स्टैंड अप लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग स्टैंड अप लिख देंगे, ठीक, इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा द फादर सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम इन द आइडियल गॉसिप, बच्चा चलिए इस सेंटेंस को भी करके आए बच्चा, बस फर्क इतना है कि सेंटेंस बच्चा क्या है फादर है, और पहले जो क्वेश्चन करके आया था वहां पर क्या था अंकल था, तो बच्चा इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो देन ये कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि नहीं आया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा फोर्थ, कनक सेड टू हिम इनवर्टेड कॉमा विल द टीचर टीच अस टुडे, देखो बच्चा ये जो सेंटेंस है सेम टू सेम यही है, देखो बच्चा ये जो सेंटेंस है सेम टू सेम यही है, बट बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है नाम भी चेंज हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, बता दे रहे इसलिए, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे बच्चा, इस तरीके से बनाएंगे कि कनक
अब सेट टू की जगह पर क्या आएगा सर, इंटरगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिख देंगे, आस्क लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हिम। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में, इफ का या वेदर का प्रयोग करते हैं, हम इफ का प्रयोग कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर। फिर मेरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, क्या हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक। टीच आज को चेंज करेंगे किसके रिकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिम है, तो हिम को किसमें चेंज कर देंगे, पोजिशिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि अस किसमें है, पोजिशिव फॉर्म है, तो हिम का पोजिशिव फॉर्म क्या हो जाता है, बताओ बच्चों क्या हो जाता है, हीज हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हीज लिख देंगे, और टुडे क्या होता है, दैट डे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दैट डे। इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज दिस द मैथड टू सॉल्व दिस सम। चलिए इनको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, द टीचर सेट टू की जगह क्या आएगा बच्चा, आस्क जो आएगा, क्योंकि मेरा सेंटेंस इसमें नहीं इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क किससे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स से, तो लिखेंगे क्या, स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक। अब इनोटेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब बच्चा उसके बाद क्या आता है, मेरा क्या आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखिए आप पहले आप खुद सॉल्व करिए ना, खुद से पहचानिए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो इज दिस मैथड टू सॉल्व दिस सम, तो बच्चा यहाँ सब्जेक्ट क्या है बताइए फटाफट सा, बच्चा क्या है, दिस मैथड है, क्या बच्चा दिस द मैथड है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, दिस द मैथड, तो इसको किस तरीके से, दिस किस में चेंज होता है, दैट में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट द मैथड, दैट द मैथड, इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज टू सॉल्व दिस सम। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वॉश योर फेस, तो बच्चा ये कैसा सेंटेंस है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, कैसे पता चला, तो जो मेरा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, किससे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, इसलिए पता चल गया, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, ही अब सेड टू जगह पर क्या लिखेंगे सर, तो देखो कोई अगर तुम्हें बोल रहा है कि अपना चेहरा धो लो, तो हो सकता है एडवाइस भी दे रहा हो, या फिर हो सकता है कि क्या हो रहा है बच्चा, ऑर्डर भी दे सकता है, तो आपको जो फील आ रहा है ऑर्डर वाला, तो ऑर्डर लिख के तब सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिख दीजिएगा, अगर एडवाइस लग रहा है तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड लगेगा, और यहाँ पर हमें जो प्रतीत हो रहा है वो क्या लग रहा है बच्चा, एडवाइज्ड लिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, एडवाइज्ड, क्या लिख देंगे, एडवाइज्ड मी। अब बच्चा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, वॉश, और बच्चा योर को चेंज करेंगे, किसके रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, तो मी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि योर की जगह पर ला रहे हैं, और योर मेरा क्या है, पॉजिटिव फॉर्म, तो मी का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है बच्चा, माई हो जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फेस लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। चलिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो बच्चा गिव मी योर बुक, ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, द टीचर अब देखो बच्चा कि जो टीचर है वो बच्चे से क्या मांग रहा, कि अपना किताब दे दो, क्या कर रहा है बच्चा, अपना किताब दे रहा है, तो क्या होगा कि अब दो चीज हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर हो सकता है ना, टीचर आपसे क्या करेगा, दो चीज नहीं होगा, एक ही चीज होगा, जो टीचर है बच्चा आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा कि मुझे किताब दे दो प्लीज करके दे दो, ऐसे थोड़ी नहीं बोला, जो टीचर है आपको क्या करेगा, एक ऑर्डर के रूप में ही बोलेगा ना कि अपना किताब दे दो मुझे, इस तरीके से ही बोलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, हम सेट टू जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर ही लिखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सेट टू जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर ही लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर द बॉय इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय क्या इसका प्रयोग करेंगे, टू, क्योंकि इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। फिर क्या लिखेंगे बच्चा, गिव, अब मी को चेंज करेंगे किसके रिकॉर्डिंग, हम किसके रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चा, मी क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, मेरा किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो टीचर बच्चा क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ आपका मन करे तो बच्चा ही भी ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, सी भी कंसिडर कर सकते हो, तो मान चल रहे हैं हम ही कंसिडर कर रहे हैं, तो बच्चा ही को क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि मी के स्थान पर ला रहे हैं ना, मी मेरा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाता है बच्चा, हिम हो जाता है, क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक, क्या हो जाएगा, हिम
उसके बाद योर है, योर किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, योर किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, द बॉय है बच्चा, तो बॉय क्या हो सकता है, लड़का ही है, तो लड़का का क्या करेंगे बच्चा पोजेसिव फॉर्म में चेंज कर, सॉरी मतलब ही को क्या करेंगे पोजेसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। पोजेसिव फॉर्म में ही का क्या हो जाता है, हीज हो जाता है, क्या हो जाता है, हीज हो जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, बुक लिखेंगे। ठीक अच्छा, 2020 के सेट में पहला क्वेश्चन है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। चलिए इनको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, ये टोटली पूरा तो बोल सकते हो अभी तक जितने प्रैक्टिस किए थे इनसे हट कर है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो देखिए पहले रिपोर्टेड वर्ब को बनाते हैं हम लोग, तो रिपोर्टेड वर्ब क्या है, माई मदर आस्क्ड मी, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर होता है वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो इनको बनाएंगे बच्चा, तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, चलिए इस तरीके से, माई मदर, माई मदर, ठीक बच्चा। अब इसके बाद आस्क को चेंज करने के लिए पहले ये देखेंगे कि ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच मेरा किस सेंटेंस में बच्चा, हमारा क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस में। तो अगर इंटरगेटिव सेंटेंस में है तो सेट टू को या फिर सेट को या फिर आस्क को या फिर आस्क्ड को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में ही चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, आस्क्ड ही लिख देंगे। ठीक, इसमें कोई और परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चा मी है तो मी लिख देंगे। अब इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इव का प्रयोग कर सकते हैं, तो इव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है, यू है, यू किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन, यू किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है हमारा यू, तो यू पहले है क्या मेरा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यह बच्चा जो यू है किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, मी की रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव के केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू किस में है, सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा लिख देंगे बच्चा, आई लिख दें। और ये देखिए सेंटेंस मेरा क्या है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, ये मेरा सेंटेंस जो है बच्चा किस में है, मेरा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, हैड लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से लिख देंगे बच्चा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉक्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, लॉक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो लॉक में ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लॉक्ड द फ्रंट डोर। इसके बाद क्या लिख देंगे, द फ्रंट डोर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, शी सेड टू मी विल यू गो देयर। चलिए इनको बनाते बच्चा, इनको किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे, सी, अब बच्चा क्या बोला, विल है, यानी ये मेरा ये फिर इंटरगेटिव सेंटेंस है, सेट टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, आस्क में चेंज होगा। अब मी लिखेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद, और ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे बच्चा। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मेरा यहाँ का यू है, किस फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में बच्चा, और किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है, तो सेकेंड फॉर्म किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, सॉरी सेकेंड मेरा पर्सन किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। सेंटेंस मेरा किस में है, फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बस आई विल का उड हो जाता है, सेल का सुड हो जाता है, आई के साथ क्या लगेगा, सुड लगेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सुड लिख देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे बच्चा, सुड लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, गो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, गो लिखेंगे, और बच्चा देयर। ठीक, अब बच्चा यहाँ पर क्या है, देयर, तो देयर का लिखते हैं हम लोग, देयर ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक, फुल स्टॉप लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है, माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा लव इज ब्लाइंड। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, यह क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, माय फ्रेंड, अब सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड, ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच वो किस में ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो टोल्ड हो जाएगा। फिर मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर स्पीच रहता है, रिपोर्टेड स्पीच रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, लव इज ब्लाइंड, क्या लिख देंगे, लव इज ब्लाइंड। ऐसा क्यों किया बच्चा, सेम टू सेम सेंटेंस, सेम टू सेम क्यों लिख दिए, इज का आवाज में क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि बच्चा लव इज ब्लाइंड क्या, एक मेरा जो है बच्चा, एक क्या है बच्चा, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो प्यार होता है वो अंधा होता है। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चा देख लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चा, सी टोल्ड मी दैट, बच्चा आई यहां पर, आई मेरा फर्स्ट पर्सन किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट को क्या यहां पर क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, फिर बच्चा एम है तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद क्या लिखेंगे, गोइंग टू सी
उसके बाद क्या है मेरा योर क्या सॉरी मेरा पर्सन है कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट हम ही है तो मी को किस में चेंज कर देंगे बच्चा किस फॉर्म में चेंज कर देंगे पोजेसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे तो मी का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है माई तो यहाँ पर लिखेंगे माई उसके बाद क्या लिखेंगे सिक मदर जस्ट नाव का क्या हो जाता है बच्चा जस्ट नाव का क्या होता है देन हो जाएगा ठीक लिखेंगे देन लिख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा अगला कैसे बनाएंगे ही सेड टू मी इनोटेड कमा आर यू राइटिंग अ लेटर चलिए इनको किस तरीके बनाएंगे चलिए देखिए इसको इस तरीके बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से ही आस्क्ड मी इफ यू बच्चा सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा ठीक है यू क्या हमारा सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा बट ऑब्जेक्ट किस में चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में क्योंकि यहाँ यू क्या है सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई हो जाएगा उसके बाद बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज पास्ट कंटिन्यूअस और आई के साथ क्या लगता है वॉच लगता है यहाँ पर लिख देंगे वॉच फिर बच्चा राइटिंग अ लेटर सेम टू सेम लिख देंगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बोला है मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर बच्चा सेम टू सेम उसी बेस पर क्वेश्चन है तो इसको हम लोग नहीं करते हैं इसको क्या करते हैं बच्चा हम लोग नहीं करते हैं आप खुद से कर अपना क्या कर लीजिए बच्चा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा है द टीचर सेड टू द बॉय इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन अब अच्छा जो टीचर है बॉयज को क्या कर रहा है जो बॉयज उनको क्या कर रहा है एडवाइस दे रहा है कि वर्क हार्ड मतलब मेहनत ज़्यादा मेहनत करो कड़ी मेहनत करो पास होने के लिए तो चलो इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चा कि द टीचर इसको इस तरीके से बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में द टीचर सेट टू की जगह क्या आ जाएगा बच्चा एडवाइज क्या आ जाएगा एडवाइज द बॉयज इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग करते हैं फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा वर्क हार्ड क्या लिखेंगे वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन ठीक इस तरीके से आपका करेंगे बना रहेंगे तो बच्चा ये इस सेट का भी मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होता है चलते हैं अगले सेट की तरफ ठीक है तो बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा सेट का ये है पहला आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड्स बच्चा इस टाइप के सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं कैसे बनाएंगे बच्चा देखिए तो क्या लिखेंगे आई क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे आई अब सेट टू देखिए बच्चा आप क्या करते हो किसी को गुड बाय कहते हो या फिर गुड मॉर्निंग कहते हो तो क्या होता है जब आप क्या करते हो गुड मॉर्निंग कहते हो गुड नाइट गुड आफ्टरनून कहते हो तो उस समय लिखते हैं विश्ड सेट टू की जगह पे या सेट की जगह पे क्या आता है विश्ड आता है जब आप क्या करते हो किसी को बाय बाय बोलते हो या फिर गुड नाइट बोलते हो तो उस सिचुएशन में सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं बैड में यानी जब विदाई वाला समय आता है तो सेट को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग बैड में चेंज कर देते हैं फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग देम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग देम लिखेंगे और इस सिचुएशन बच्चा ऐसे सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय कोई भी हम लोग एक्सटर्नल क्या करते हैं कंजक्शन वर्ड का यूज नहीं करते ठीक उसके बाद क्या बच्चा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे बच्चा जैसे आई है क्या कर रहा है बच्चा आई है वो क्या कर रहा है बच्चा किसको जो आई है जैसे आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड तो मैं अपने दोस्तों का कर रहा हूँ बाय बाय कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों को क्या करेंगे बच्चा माई का क्या आई का क्या करेंगे बच्चा हम लोग पॉजिटिव फॉर्म यूज कर लेंगे तो आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है माई होता है उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स लिख देंगे उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग फ्रेंड्स लिख देंगे फिर बच्चा क्या हमारा गुड बाय तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग गुड बाय बस इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे ठीक है इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू नॉट डूइंग वर्क बच्चा ये देखिए ये पहले भी क्वेश्चन आ गया था और हमने कंप्लीट किया था फिर भी ये क्वेश्चन आ गया तो देखिए फिर से कर लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे द टीचर सेंटेंस कैसा हमारा डबल इंटरगेटिव क्योंकि डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो सेट को किस में चेंज कर सेट टू किस में चेंज कर देंगे आस्क्ड में हम लोग चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दिए आस्क्ड में इन द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स और बच्चा जब डबल इंटरगेटिव सेंटेंस आता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कोई भी हम लोग एक्सटर्नल कंजक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं बस जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा मेरा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा यू है यू क्या हमारा सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है मेरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट है यानी द स्टूडेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चा द स्टूडेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग दे का प्रयोग कर सकते हैं दे प्रोनाउन का क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं राइट तो दे को क्या करेंगे बच्चा हम किस में चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे और दे का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है दे ही होता है इसलिए क्या लिख देंगे यहां पर दे लिख देंगे ओके उसके बाद देखिए सेंटेंस मेरा किस में है बच्चा मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज कर देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं इसके लिए दे के लिए क्या लगेगा बच्चा वर्ब लगेगा दे के लिए क्या लगेगा वर्ब लगेगा उसके बाद नॉट है तो क्या लिखेंगे नॉट लिखेंगे फिर डूइंग है बच्चा तो डूइंग लिखेंगे फिर उसके बाद योर बच्चा योर मेरा क्या है बताओ फटाफट बताओ मेरा
मेरा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चा, फिर से मेरा ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं, द स्टूडेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं। तो इस बार दे को किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि योर की जगह पर आ रहे हैं ना, योर मेरा किसमें पॉजिटिव फॉर्म में, तो दे का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयर लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्क के बच्चा, तो वर्क लिख दें, उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सर क्वेश्चन मार्किंग है, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हाँ बच्चा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इस डबल इंटरग्रेटिव सेंटेंस को किसमें बनाए हम लोग, असरेटिव सेंटेंस बनाए, और असरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन गया बच्चा। बच्चा ये देखिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, इसको हम लोग दो बार करके आ चुके हैं, इस बार क्या करेंगे हम लोग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा, आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे। बच्चा इसको भी हम तो कर कर आए ही हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि माई फादर सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा, हैव यू डन योर होमवर्क। चलिए इसको कर लेते बच्चा, चलिए इसको किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, माई फादर बच्चा क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस सेट टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, उसके बाद क्या कहता है मेरा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस किसमें चेंज करते हैं, असरेटिव में, असरेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट पहले आता है, तो यू लिखेंगे, बट चेंज करके यू मेरा क्या सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, तो मी को किसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा बच्चा। उसके बाद देखिए सेंटेंस क्या है मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट हेल्प में क्या होता है, हैड होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हैड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या लिखेंगे, डन, उसके बाद क्या है बच्चा, योर है, योर फिर से मेरा सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, बट इस बार मी को किसमें चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि योर की जगह पर आ रहा है ना, योर मेरा क्या है पॉजिटिव फॉर्म है, तो मी का जो पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, माई होता है, तो क्या लिखेंगे, माई, उसके बाद क्या लिखेंगे, होमवर्क, यस डब्ल्यू सम लिख दे रहे बच्चा, होमवर्क, आप समझ जाइएगा। चलिए अगले सेट पे चलते, अगला सेट का क्वेश्चन है बच्चा, ही से इनवर्टेड कॉमा, यू मस्ट वर्क हार्ड। बच्चा इस क्वेश्चन को करके आ चुके हैं, नहीं करेंगे दोबारा, फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ही सेड, सेट किसमें चेंज होगा बच्चा, किसमें चेंज होगा, सेड में ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, क्यों सर, क्योंकि बच्चा इनवर्टेड कॉमा सेंटेंस जो कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है तब टोल्ड में चेंज होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता सेट का सेट ही रखते हैं, और इनवर्टेड कॉमा को हटाते समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, आई को चेंज करेंगे किसकी रिकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर ही है, तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और बच्चा ये देखिए ध्यान सुनिए, ध्यान से पढ़िए, मतलब कि सेंटेंस कौन सा, तो ये सेंटेंस आपको दिखाई देगा कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब में क्या है सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है मेरा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए इसके बाद पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, तो ही के बाद क्या आएगा, हैड आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, हियर, क्या लिखेंगे, हियर दैट न्यूज, दैट न्यूज यस्टरडे का क्या हो जाता है बच्चा, द प्रीवियस डे, क्या होता है द प्रीवियस डे या फिर द बिफोर डे, दोनों में से कोई लिख सकते हो, तो हम क्या लिख दे रहे हैं, द बिफोर डे, ठीक। इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया बच्चा, कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, रूपा सेड टू द रेखा, विल यू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज कल्चर प्रोग्राम। चलिए इनको देखते हैं, इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, रूपा, रूपा सेट टू की जगह क्या आएगा मेरा, आस्क्ड आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस किसमें है बच्चा, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस में सेट टू की जगह क्या आता है, आस्क्ड आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आस्क लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, रेखा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा लिख देंगे। फिर बच्चा अगर मान लीजिए मेरा इंटरगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने की जगह किसका प्रयोग करते हैं, ईव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ का किसका प्रयोग करेंगे, ईव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट बच्चा मेरा क्या है, यू है, तो यू किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बच्चा क्या है, रेखा, रेखा है, तो बच्चा रेखा की जगह पर अगर प्रोनाउन यूज करना रहेगा तो किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, क्योंकि लड़की ना बच्चा, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। फिर सी को किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, बताओ बच्चा, सी को किसमें चेंज कर देंगे हम लोग, सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे, तो सी का सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, सी ही होगा, तो सी हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा बच्चा, उड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उड लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, पार्टिसिपेट इन द कॉलेज कल्चर प्रोग्राम, सेम टू सेम इसके बाद यहीं लिख देंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि इतने शब्दों में ना कोई आपका प्रोनाउन है, ना कोई आपका कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई बच्चा ऐसा शब्द है जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड करता है, इसलिए क्या करेंगे, सेम टू सेम यही लिख देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बच्चा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन भी करने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, क्यों बोलिए, पूछिए क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन को भी हम लोग आगे क्या किए हैं, सॉल्व करके आ गए हैं, तो टाइम अपना बर्बाद करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवां, द फादर सेड टू द डॉटर इनवर्टेड कॉमा व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। चलिए इनको बनाते हैं बच्चा, इनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय द फादर सेट टू की जगह क्या आएगा, आस्क आएगा, क्या आएगा बच्चा, आस्क, क्यों, देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, डॉटर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय कोई भी कंजक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं करते, बस जो वर्ड होता है डब्ल्यू एच वही लिख देते हैं सेम टू सेम। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, इसके मतलब कि इसके बाद क्या आएगा, मेरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बच्चा यू, यानी सेकंड मेरा क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या डॉटर, डॉटर क्या एक लड़की है, लड़की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी का प्रयोग कर सकते हैं, क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चा, सी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं बच्चा डॉटर के जगह पर, तो सी को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में, और सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी ही होता है बच्चा। उसके बाद देखिए सेंटेंस क्या है, मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग क्या होता है, वाज वर्ब, और सी के साथ क्या लगेगा, मेरा वाज लगेगा। ठीक है, हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, डिस्टर्बिंग लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्टर्बिंग लिखेंगे। तीन बच्चे, उसके बाद क्या है, मी है, मी मेरा क्या है फर्स्ट पर्सन है, अगर मेरा मी फर्स्ट पर्सन है तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा, द फादर, द फादर के लिए किसका यूज कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, तो ही को किस में चेंज करेंगे बच्चा, हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि मी की जगह पर आ रहा है, मी क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, फिर बच्चा इन दिस वे को क्या लिखें, इन दैट वे, दिस का क्या हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते दैट हो जाता है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वे लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बच्चा ये भी सेट मेरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले सेट की तरफ, और अगले सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए अगला सेट हमारा क्या बच्चा, तो अगला सेट नहीं है, मतलब कि 2015 से लेकर 2023 तक के बीच में जितने भी आपके आए हैं पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हमने क्या किया बच्चा, सॉल्व कर लिया और पूरी तरह से सीख लिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे आप लोग, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आपका करेंगे बच्चा, लिख देंगे, कमेंट कर देंगे, फीडबैक दे देंगे, उसके हिसाब से जो भी हमको देखना होगा हम देख लेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, थैंक यू।